नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गृह विभाग ने कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कक्षा एक से लेकर पांचवी तक की क्लासें सरकार के आगामी आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। वही सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क को 8 फरवरी से 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने 10 महीने के बाद कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल 8 फरवरी से खोलने के भी आदेश दे दिए हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ग्रामीण इलाकों में गृह विभाग की गाइडलाइंस को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। 1 फरवरी से अधिकतर स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुल गए हैं। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के बच्चे स्कूल जाते नजर आ जाते हैं। प्रदेश की दूसरी और हैरान कर देने वाली खबर श्री गंगानगर जिले से आ रही है। दरअसल श्री गंगानगर में सोमवार सुबह चाय पीने के बाद एक परिवार के 4 सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। थोड़ी देर बाद ही दादी और पोते की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, परिवार में सिर्फ पिता और 6 साल के बेटे ने चाय नहीं पी थी। वे दोनों ठीक है। सुबह डॉक्टरों ने फूड पॉइजन का अंदेशा जताया। वहीं आपको बताते चले, जब डॉक्टरों ने दादी और पोते का पोस्टमार्टम किया तो शुरुआती रिपोर्ट में जहर से मौत होने की भी पुष्टि नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर आपको दे दे राजस्थान। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे। अजय माकन 3 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। माकन के दौरे से बहुप्रतीक्षित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले से बड़ी खबर आ रही है। बाड़मेर जिले के चौहटन में जाट समाज ने मृत्यु भोज, बाल विवाह और नशे पर रोक लगा दी है। साथ में डीजे भी शादियों में नहीं बजेगा। झालावाड़ जिले से बड़ी खबर। जानकारी के अनुसार झालावाड़ जिले के असनावर इलाके के जूना खेड़ा चौराहे पर सोमवार रात एक बस असंतुलित होकर पलट गई। इस दौरान मौके पर कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि हादसे में बस में सवार 40 सवारियां घायल हो गई है। कई लोग बस के नीचे भी दबे हुए हैं, जिनको निकालने का काम जारी है। अगली बड़ी खबर आपको दे दे, केंद्र सरकार के बजट पर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट में राजस्थान के लिए घोषणा नहीं होने पर सवाल उठाया है। इसे राजस्थान की जनता को निराश करने वाला बजट बताया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला बजट बताया है। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। किसान मोर्चे का बड़ा ऐलान, 6 फरवरी को पूरे देश भर में चक्का जाम करने की चेतावनी किसान मोर्चा ने दी है। किसान मोर्चा का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम होगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा की ओर से अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आगार के रोडवेज कर्मचारियों द्वारा लोक परिवहन संचालन के विरोध किए गए कार्य बहिष्कार को समर्थन करते हुए पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत 2 फरवरी को दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन करने और 4 फरवरी 2021 को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक पूरे प्रदेश में कार्य का बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी रोडवेज कर्मचारी 1 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। यानी कि 4 फरवरी को दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरे प्रदेश में रोडवेज के पहिए एक बार फिर से थम जाएंगे। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।